नमस्कार, आप देख रहे हैं HBR न्यूज। आइए आपको बताते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। नेपाल के महिला सांसद के घर पर हमला, सरकार के नक्शा प्रस्ताव का किया था विरोध। आगरा में पालतू गाय का चारा खाने पर बछड़े की पीट कर हत्या, दो गिरफ्तार। कोडरमा में कोरोना से बचने के नाम पर हजारों जानवरों की बलि। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के सोसाइटी में मिला कोरोना पॉजिटिव का एक व्यक्ति, बिल्डिंग सील। श्रीलंका में दो बार टलने के बाद अब 5 अगस्त को होंगे आम चुनाव। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात से पूरी तरह रोक हटाने को मंजूरी। ICC ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर फैसला अगले महीने तक टाला। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर, सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागे आतंकी। IWF ने संजीता चानू पर लगे डोपिंग आरोप खारिज किए, खिलाड़ी ने मांगा मुआवजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से स्थानीय नागरिक घायल। नीरव मेहुल पर शिकंजा, ED होंगकोंग से वापस लाई 1350 करोड़ की ज्वेलरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जेल में 63 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बार बार साइकिल की घंटी बजाने पर रोक, ट्रैफिक सेफ्टी कोर्स करना जरूरी, वरना 35,000 रुपए जुर्माना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1501 नए केस, 48 लोगों की मौत। भारत सबसे ज्यादा कोरोना की जांच करने वाला दुनिया का चौथा देश बना, हर 10 लाख की आबादी पर 3,500 लोगों की कोरोना की जांच हुई। अपने बालों से मूंछ बनाती दिखी जाह्नवी कपूर, फनी तस्वीर वायरल हुआ। बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक से बचने की प्रैक्टिस कर रही पाकिस्तानी एयरफोर्स। कोरोना के दौर में एक अच्छी खबर, अगले साल 9.5% हो सकती है GDP ग्रोथ। अमेरिका में पहली बार अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया, संसद में इस मुद्दे पर हुई वोटिंग में 96 सांसदों ने समर्थन किया। अखिलेश का तंज, SP ने लैपटॉप बंटवाए और BJP ने चुनाव के लिए जंगल में LED लगवाए। भारत में कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर संभव, 15 सबसे खतरे वाले देशों में शामिल। विद्यांचल मंदिर के पुजारी को हुआ कोरोना, परिवार के 23 लोग क्वारंटीन। मिस हिटलर के प्रतियोगी को ब्रिटेन में 3 साल की सजा, प्रतिबंधित ग्रुप में थी शामिल। तेलंगाना सरकार ने रद्द की 10वीं की बोर्ड परीक्षा, सभी छात्र होंगे पास। अमेरिकी विमानों ने रूस के 4 बमवर्षक विमानों को अलास्का के तट पर रोका।